को जय हिंद साथियों। टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू के आर्टिकल एडिटोरियल के माध्यम से अंग्रेजी बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना कैसे सीखें, इसके लिए हम रोजाना एक आर्टिकल लेते हैं, एडिटोरियल लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, उसके की वर्ड्स देखने का प्रयास करते हैं, उसमें जो फ्रेजल वर्ब्स आई हैं उनको देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं उनको देखते हैं और समझते हैं कि अंग्रेजी को कैसे सीखा जाए। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल है इसको हम पढ़ेंगे और इससे पहले हम इसके जो की वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो है डिप्लोमेटिक। सबसे पहला जो वर्ड है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ड है डिप्लोमेटिक। साथियों आप लोग इसको डिप्लोमेटिक नहीं बोलें, इसको डिप्लोमेटिक बोलें। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है रणनीतिक या कूटनीतिक, जिसको आप लोग कहते हैं उसको डिप्लोमेटिक कहते हैं। जिस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, भारत और यूएस के बीच में कूटनीतिक संबंध, इंडिया ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उनको ब्रेक ऑफ कर लिया है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद दूसरा वर्ड देखिए, बहुत शानदार वर्ड है ये भी, COUP। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं COUP, इसका सही उच्चारण बताइए, सोचिए आप लोग इसको कैसे बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कू, COUP, कूप नहीं बोलेंगे आप इसको, आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे और वो है कू। कू का मतलब होता है एन इम्प्रेसिव एंड सरप्राइजिंग सक्सेस, बहुत ही शानदार सफलता, अचीवमेंट, एकम्प्लिशमेंट। तो इसका पूरे का मीनिंग क्या हुआ, डिप्लोमेटिक कू, कूटनीतिक सफलता, रणनीतिक सफलता या विजय। उसके बाद आज के हम देखते हैं इसके जो वर्ड्स हैं उनको। सबसे पहला वर्ड है एट, प्रेपोजिशन है, इसका प्रयोग किसी स्थान के लिए किया जाता है, जैसे एट बस स्टैंड, एट रेलवे स्टेशन, एट होम। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वेटिंग फॉर मी एट द रेलवे स्टेशन, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा था रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद एक वर्ड देखिए, रैली, RALLY, रैली आप सब जानते हैं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो वर्ड है RALLY, रैली अराउंड, ARROUND, रैली अराउंड, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रैली अराउंड क्या है कि फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब आपको बताना है, इसका मतलब होता है टू हेल्प, टू असिस्ट या टू सपोर्ट, साथ देना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये रैली अराउंड का मतलब होता है। जिस तरह से फ्रेंड्स एंड नेबर्स रैलीड अराउंड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, दोस्तों ने और पड़ोसियों ने साथ दिया ओवरकम, पार पाने में डिफ़िकल्टीज, समस्याओं का। उसके बाद में देखिए एक वर्ड है लिवरीज। लिवरीज का मतलब होता है किसी चीज़ का हम फायदा उठाने के अर्थ में इसका वर्ड का प्रयोग करते हैं, लिवरीज का। उसके बाद जो वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, जिस तरह से किसी देश के लोग दूसरे देश में जाके रहने लग जाते हैं, जिस तरह से मूल रूप से भारतीय लोग अमेरिका वगैरह में कहीं रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंडियन डायस्पोरा हो गया। उसके बाद में एक वर्ड है कल्मिनेशन। कौन सा वर्ड है, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, उच्चतम स्तर जिसको आप लोग कहते हो, हाइएस्ट पॉइंट होता है वो होता है कल्मिनेशन। उसके बाद में देखते हैं इसका, ये एक बहुत शानदार फ्रेज है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही। राइट फ्रॉम द बिगनिंग का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आप इस फ्रेज को बार बार काम में ले सकते हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश में इसको बहुत काम में ले सकते हैं, शुरुआत से ही। जिस तरीके से राइट फ्रॉम द बिगनिंग द वीडियो, द आर्टिकल, द एडिटोरियल इज वेरी इंटरेस्टिंग, शुरुआत से ही ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वह बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को, इस फ्रेज को यूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा है, कॉन्क्रीट अफर्ट्स है, कॉन्क्रीटेड अफर्ट्स,
ठोस प्रयास, इसको भी आप अपने रोजाना की वोकैबुलरी में जोड़ लें इसको और काम में लें इसको, कॉन्क्रीट एफर्ट्स, ठोस प्रयास, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मजबूत, ठोस, इसमें कॉन्क्रीटेड वर्ड काम में लिया गया है तो मजबूत प्रयास। उसके बाद देखते हैं कौन सा वर्ड है, उसके बाद में डिविडेंट्स, ये देखो ये वर्ड है डिविडेंट्स, डिविडेंट्स का मतलब होता है लाभ या लाभांश जिसको कहते हैं उसको डिविडेंट्स कहते हैं। उसके बाद में एक फ्रेजल वर्ब आई है टर्न आउट, एक फ्रेजल वर्ब है टर्न आउट, टी यू आर एन ओ यू टी, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना, टर्न आउट का मतलब क्या होता है साबित होना, कि ये ऐसा साबित हुआ, ही टर्न आउट टू बी ए स्कॉलर, हम उसको ऐसे ही समझ रहे थे और ही टर्न आउट टू बी ए स्कॉलर, वो तो क्या निकला एक स्कॉलर निकला, तो टर्न आउट का मतलब तो साबित होना। उसके बाद में देखते हैं हम वर्ड कौन सा है, बाईपार्टिज्म, बाईपार्टिज्म का मतलब होता है द्विदलीय, बाईपार्टिज्म का मतलब क्या होता है द्विदलीय। और उसके बाद में एक बहुत ही शानदार फ्रेजल वर्ब है ड्रम अप, डी आर यू एम एफ, ड्रम अप, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू गेट या टू जनरेट, प्राप्त करना या पैदा करना, इसको ड्रम अप जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब प्राप्त करना या पैदा करना इसका मतलब होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक वर्ड है प्लंक, पी एल ए एन के, प्लंक, प्लंक का मतलब होता है द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, किसी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना वो प्लंक होता है, पी एल ए एन के, प्लंक, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, इरेडेंटिस्ट, ये है इरेडेंटिस्ट, रेडेंटिस्ट इसका मतलब होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, इरेडेंटिस्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक, तो आप इस वर्ड को भी ठीक से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में एक वर्ड है एलिसिटिंग, एलिसिट वर्ड है उसको आई एन जी लगाया, एलिसिटिंग का मतलब होता है टू गेट या टू ड्रॉ, टू गेट प्राप्त करना या ड्रॉ भी प्राप्त करना होता है। उसके बाद में होता है एसिमेट्रिक मीन्स, बहुत शानदार वर्ड है इसको आप देखें, एक तो सिमेट्रिक होता है और एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक मीन्स एंड साधन है, ये उन साधनों के लिए काम में लिए जाते हैं जो किसी सेना का भाग नहीं होते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप होते हैं जो वॉर वगैरह में लगे होते हैं, युद्ध वगैरह में लगे होते हैं, उनके लिए कहते हैं एसिमेट्रिक मीन्स या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब हम इस आर्टिकल को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या है। डिप्लोमेटिक कू, डिप्लोमेटिक कू का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, कूटनीतिक सफलता, कूटनीतिक विजय, एट हाउडी मोदी रैली, कहां पर, एट हाउडी मोदी रैली, हाउडी मोदी आप सब जानते हैं जो रैली हुई थी। एफर्ट्स, प्रयास, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, टू लेवरेज, फायदा उठाने के प्रयास, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा भारतीय प्रवासियों का लाभ उठाने के जो प्रयास थे वो इस रैली में रीच ए कल्मिनेशन, वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, कल्मिनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, रीच यानी पहुंचते हैं, ए कल्मिनेशन। एक और आप ध्यान रखें इसमें, रीच वर्ब का मतलब भी पहुंचना होता है और अराइव वर्ब का मतलब भी पहुंचना होता है, लेकिन जब अराइव वर्ब होती है तो उसके साथ एट प्रेपोजिशन काम में आता है, जिस तरह से वी अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, ही अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, लेकिन अगर आपको रीच वर्ब काम में लेनी है तो आप लिखेंगे ही रीच द रेलवे स्टेशन, वहां आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए आर्टिकल को, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, ऑफ दिस, ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, अपनी प्रधानमंत्री के जो पद है प्राइम मिनिस्टरशिप है उसकी बिल्कुल शुरुआत से ही, इन 2014, कब, 2014 में, मोदी हैज मेड कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स, मोदी ने प्रयास किए हैं, हैज मेड एंड किए हैं, ठोस प्रयास किए हैं मोदी ने, किसके लिए, टू रीच आउट टू द इंडियन, कहां तक पहुंचने के, टू रीच आउट टू द इंडियन, इंडियन कम्युनिटी अब्रॉड, भारतीय समाज तक पहुंचने के, अब्रॉड यानी देश से बाहर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने प्रधानमंत्री के
जो शुरुआत की उसने इन 2014 से ही, मोदी हैज मेड कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स, मोदी ने ठोस प्रयास किए हैं टू रीच आउट टू द इंडियन कम्युनिटी अब्रॉड, भारतीय जो समाज है विदेशों में वहाँ तक पहुँचने के ठोस प्रयास किए हैं। दोज एफर्ट्स पेड मच डिविडेंड्स, उन प्रयासों ने, कौन से प्रयासों ने जो 2014 से मोदी जी ने किए हैं, दोज एफर्ट्स, मैंने कल भी बताया था कि देखो दोज वर्ड जो है ये प्लुरल है, इसके लिए इसके साथ एफर्ट्स है, यानी एफर्ट्स के लिए किसका प्रयोग होगा, दोज का होगा, और यदि एफर्ट होता तो दिस होता है। दोज एफर्ट्स पेड मच, सॉरी पेड रिच डिविडेंड्स, इन प्रयासों ने बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाया है, चुकाया है, बहुत ज़्यादा फायदा चुकाया है दिस संडे, इस संडे को, वेन मोदीज एड्रेस, जब मोदी जी का एड्रेस टू द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जब मोदी जी का एड्रेस हुआ कहाँ, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को, इन हॉस्टन, ये उस जगह का नाम है, टर्न आउट, जब वो साबित हुआ टू बी ए मेगा इवेंट, एक बड़ी इवेंट साबित हुआ, विद प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, किसके साथ, प्रेजिडेंट ट्रंप के साथ, एंड टू डजन, और दो डजन और अमेरिकन लॉ मेकर्स, दो डजन यानी दो दर्जन अमेरिकन लॉ मेकर्स भी, कटिंग अक्रॉस पार्टी, कटिंग अक्रॉस पार्टी का मतलब सभी पार्टियों के, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस एंड देयर फॉर एग्जाम्पलीफाइंग, इसलिए वो उदाहरण देके समझा रहे थे बाई पार्टीजम सपोर्ट, ये उदाहरण था किसका, द्विपक्षीय द्विदलीय सपोर्ट का फॉर इंडिया, भारत के लिए अटेंडिंग, जब इन लोगों ने अटेंड किया ट्रंप के साथ, तो ये भारत के लिए दोनों दलों का समर्थन था, इसका उदाहरण था। इट ऑल्सो कम्स एट ए टाइम, ये उस समय आता है, कौन आता भाई, ये जो समर्थन है ये उस समय आता है, इट ऑल्सो कम्स एट ए टाइम, उस समय आता है वेन पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग, देखो हैज़ बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हार्ड, बहुत कोशिश कर रहा है, टू ड्रम अप, मैंने आपको बताया ड्रम अप का मतलब होता है गेट, प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, टू काउंटर, काउंटर करने के लिए, इंडियाज मूव, भारत का जो मूव है, टू एब्रोगेट, भारत का जो अपने अभ्यर्थ का जो कदम है, टू एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब रिपील होता है, हटाना, प्रभाव कम करना, स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, भारत का जो अभी कदम था जम्मू एंड कश्मीर का, स्पेशल जो स्टेटस था उसको हटाने का, उसको वो काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए वो इंटरनेशनल सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उस समय हमें ये मिला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज हम वीडियो को इतना ही रखेंगे, आपने वीडियो को सुना, धन्यवाद।